news that we're tracking this morning from the national capital. In fact, we are picking up that Delhi police have arrested 28 bikers from the New Delhi area. They were seen riding bikes dangerously without helmets. Now, during the interrogation, they revealed that they had come to the area to shoot reels. You're looking at the visuals of the same on your screens right now. We're also learning that police have registered a case and seized all the bikes, which is evident in those images on your screens. So that's the latest that we're picking up as far as this is concerned. In fact, this entire thing was caught on camera. Abhishek Raj, my colleague, joins me over the phone lines. Abhishek, good morning. जहाँ तक ये केस की बात है, क्या जानते हैं हम इस वक्त? क्योंकि सीसीटीवी विजुअल्स हमें दिखाई दे रहा है और ऑफ कोर्स एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से आ चुकी है, लेकिन ये इंसिडेंट किस बारे में और कौन से सेक्शन के अंडर इनको अरेस्ट किया गया है? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है, ये स्टंटबाजी करते हुए कुछ जो लोग हैं, कुछ जो युवा है वो दिखाई दिए थे, और दिल्ली पुलिस की लगातार जो इन्वेस्टिगेशन थी वो इनके ऊपर जारी थी। लगातार इन लोगों को जो है, जो स्टंटबाजी कर रहे थे, इन लोगों पे जो नजर है वो दिल्ली पुलिस रखी हुई थी। चूंकि इलेक्शन का दौर है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो दिल्ली पुलिस है वो सीसीटीवी से काफी ज्यादा निगरानी रख रही थी। ऐसे में नई दिल्ली एरिया में 28 के करीब जो बाइकर्स हैं वो दिखाई दिए दिल्ली पुलिस की सीसीटीवी में, जिसमें वो रफली जो है वो गाड़ी चला रहे थे। और जब पुलिस ने उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ शुरू की तो ये पता चला कि ये जो सारे बाइकर्स रील बनाने के लिए, यानी कि सोशल मीडिया पर अपने आप को फेमस करने के लिए इस तरीके से ये रफली ड्राइव कर रहे थे, और इसके अलावा ये वहां पे रील्स बनाने के लिए इस तरीके से स्टंटबाजी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद इन लोगों को जो है वो अरेस्ट किया, और उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये कहां से आए थे और इनके गिरोह में और कौन कौन लोग थे। क्या ये सच में रील बनाने के लिए आए थे या फिर इनका मकसद जो है वो कुछ और था? पूरे मामले की अभी जांच जारी है, और ऐसे में आगे आने वाले दिनों में भी जो भी इस तरीके से जो स्टंटबाजी करते हुए नजर आएंगे या कानून व्यवस्था को ताक पे रख के बाइक चलाते हुए नजर आएंगे, उनसे भी दिल्ली पुलिस जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। जी जी अभिषेक, थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट फॉर अस एज़ टू व्हाई दिस एक्शन वाज़ नेसेसरी, बट फॉर द मोमेंट लेट्स लीव इट एट दैट।